गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में राजमार्गों पर भारी वाहनों की उल्लंघनाओं की जांच करने के लिए और निरीक्षण अभियान को तेज करने हेतु जल्द ही उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 9,000 लोग जख्मी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब यातायात के नियमों का पालन न करने से होता है, इसलिए इस निरीक्षण अभियान को सख्ती से चलाया जाएगा। सड़क पर दुर्घटनाओं में हरियाणा में साल में लगभग 5,000 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 9,000 लोग जख्मी हो जाते हैं, और ये यातायात के नियमों के पालन ना करने से होता है। इसलिए इसको सख्ती से चलाया जाएगा। मैं बहुत जल्द सभी अधिकारियों की बैठक भी लेने वाला हूँ। गृह मंत्री ने कहा प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार करने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। एनसीबी बनाई है, वो एनसीबी काम कर रही है। इसकी सजा तो बहुत होनी चाहिए और है भी, मतलब तो मशीनरी को बिल्कुल तेज करने की जरूरत है। और हमने प्रॉपर्टियां अटैच करने का भी हमने काम सिलसिला चला रखा है और ये बहुत प्रभावी है, क्योंकि नशे का कारोबार लोग पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, और अगर उसकी पैसे द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है तो उसकी कमर टूटती है।